रविंद्र भाटी ने भजन लाल को किया चैलेंज। एफआईआर दर्ज होने के बाद भाटी ने बता दिया अपना इरादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या रविंद्र सिंह भाटी से बाकी पार्टियां डर गई है? क्या भाटी के आगे पहले ही सबने हार मान ली है? क्योंकि नजारा तो वही लग रहा है। जिस तरह से भाटी के खिलाफ पहले चुनाव आयोग से शिकायत होती है और फिर अब एफआईआर, इसीलिए लोग ये मान रहे हैं कि भाटी की जीत से सब डर रहे हैं। वही भाटी भी पीछे नहीं है। भाटी ने भी एफआईआर के बाद सीएम भजन लाल को ललकारा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी एवं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब मुकदमा दर्ज होने के बाद भाटी ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है। रविंद्र भाटी ने भजन लाल को किया चैलेंज। रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ पचपदरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान बायतू इलाके में हुई मारपीट को लेकर बालूतरा एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया था। अब इसको लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने हुंकार भरी है। मीडिया से बातचीत करते हुए भाटी ने कहा, सरकार सभी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ना कभी ऐसे दबे हैं और ना कभी दबेंगे। जहां भी हक और अधिकार की लड़ाई आई, मजबूती से लड़ेंगे। भाटी का ये इशारा भजन लाल की तरफ ही माना जा रहा है, क्योंकि वो राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाटी ने चैलेंज करते हुए भजन लाल को सीधा सीधा ललकारा है, जिससे भजन लाल भी डर जाएंगे, क्योंकि भाटी हार मानने को तैयार नहीं है। भाटी साफ कह रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं है। वही आगे भाटी ने कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पर भी निशाना साधा। भाटी ने कहा, हरीश चौधरी सभी को निपटा कर अकेले रहना चाहते हैं। वो नए नए लोगों को देख कर बौखला गए हैं। उन्होंने हुड़दंग वाली नेतागिरी नई नई सीखी है। ये उनकी बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं दिख रही है कि 4 तारीख को बदलाव होने वाला है। कांग्रेस से निष्कासित हुए आमिन खान पर भी भाटी ने बात की। भाटी ने कहा, आमिन खान साहब मेरे परिवार के हैं। वो हमारे क्षेत्र के कद्दावर नेता और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि रविंद्र मेरे बेटे जैसा है, इसलिए जो मुझ पर आशीर्वाद जताया है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं उनका एहसान मंद हूँ। बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने भी हाल फिलहाल ही आमिन खान से मुलाकात भी की थी। अब बात मामले की करें तो आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी पर एफआईआर क्यों हुआ था। वोटिंग वाले दिन बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बायतू इलाके में मारपीट हुई थी, जिसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी बालूतरा एसपी ऑफिस के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। सिर्फ यही नहीं, भाटी ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया था। इन्हीं बातों को लेकर भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल अब जिस तरह से भाटी ने भजन लाल को ललकारा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि आखिर भाटी ने ऐसा भी क्या कह दिया था, सुनिए। ये वर्दी ने खुद ने एक मान है, ये वर्दी ने एक गौरव है। आप ये वर्दी की लाज न मत कम करो, ये वर्दी का शर्मसार मत करो। हमारा निवेदन है आप सब कल कई निर्दोषों ने जबरदस्ती तरीके बिना कई सारे भाइयों ने जबरदस्ती गिरफ्तार कराया। कई जगह पुलिस प्रशासन ने लोग कैप्चरिंग ने सहयोग करो। कई सारा एजेंटा ने कई सारे कार्यकर्ता ने मेरी जबरदस्ती के लोगों द्वारा की गई। मैं कल 700 जगह फोन कराया, 700 फोन पूरा प्रशासन ने एक एक जगह भी बताई। मैंने साहब ये जगह स्थिति गड़बड़ हो सके, आप ये जगह पुख्ता व्यवस्था करो। पर वो टाइम भी बिना कहते हुए बड़े तो क्या कि प्रशासन गहरी नींद गिरफ्तार करो गहरी नींद।